सेहत ठीक तो सब कुछ ठीक, सेहत गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। लेकिन घबराइए नहीं, हमें है आपकी सेहत की फिक्र और इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप हमेशा। साथ हैं हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम हर रोज संजीवनी में आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज के शो में हम चर्चा करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। वैसे तो आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमेशा हमारे शो में सुना ही होगा, लेकिन आखिर क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट और क्यों ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे सौंफ की खूब सारी औषधीय गुणों के बारे में। आजकल हर तरफ लोगों में ये सुनने को मिलता है कि फला फल में या फिर सब्जी में एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन आज हम डिटेल में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और ये हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी होता है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की सफाई करता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, फ्री रेडिकल क्या होता है। हमारे शरीर में जब भोजन का ब्रेक डाउन होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं फ्री रेडिकल्स बनने के। फ्री रेडिकल होता क्या है कि वो तत्व जिनमें के ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, वो NO2 अगर NO बन जाए, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गया, NO बन गया हो, तो ये हो गया फ्री रेडिकल। समझ में आया? थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये जब फ्री रेडिकल घूमेगा बॉडी के अंदर तो ये डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है, और क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का लेने के लिए कहीं से प्रयास करेगा तो दूसरे को तोड़ेगा, फिर वो दूसरा तीसरे को तोड़ेगा। इस तरह से कई बार एक चेन रिएक्शन इसमें शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जिनको के जो ऑक्सीडेशन करने की जिनमें काबिलियत रहती है, जो उस एटम को पूरा कर दें। तो ऐसे तत्व कई होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियों में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, आपने सुना होगा टमाटर में होता है, गाजर में होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन हमें इसलिए जरूर करना चाहिए क्योंकि आजकल हम बहुत सारे ऐसे कारणों से घिरे हुए हैं आज के युग में कि हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। कुछ तो स्वाभाविक रूप से बनते हैं, कुछ हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे वातावरण की वजह से भी बनते हैं, तो उनकी सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर उनकी सफाई नहीं करेंगे फ्री रेडिकल्स की, तो हमारे शरीर में जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे टिश्यूज हैं, उनका डैमेज होने लगता है, उनमें कई प्रकार के रोग प्रारंभ हो जाते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमें अपने भोजन में सेवन करने चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से, प्रज्ञादीप शर्मा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं प्रज्ञादीप बोल रहा हूँ सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मेरी परेशानी है कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने पूड़ियाँ खा ली थी। अच्छा। रात के समय को। जी। और नेक्स्ट डे वो फिर से गर्म करके मैंने फिर से खा ली है। अच्छा। तभी से मैं कुछ भी खाता हूँ तो मेरा पेट फूल जाता है और पूरे दिन पेट फूला रहता है, खाने की कुछ इच्छा नहीं होती है। और डॉक्टर साहब बार बार इच्छा होती है कि मैं इमोशन के लिए जाऊं, लेटिंग के लिए जाऊं, ऐसा कुछ होता है। देखिए, आपको थोड़ा सा जो है अपच हो गया है, जो भी आपने पूरी खाई, रात की रखी हुई खाई, तो वो हैवी हो गई है, या कई बार जो है हल्का सा उसमें कुछ जो है हम ये कहें कि फूड पॉइजनिंग टाइप की चीज भी हो जाती है कई बार। तो वो उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि रोग अभी ज्यादा पुराना नहीं है, आप एक दिन जो है वो कुछ भी ना खाएं, और अगर खाएं तो केवल आप जो है पतला सा मूंग की दाल का पानी बना करके वो पिए, या उसमें थोड़े चावल डाल के खिचड़ी बना सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार खिचड़ी खाइए, या केवल सब्जियों का, लौकी वगैरह का सूप बना करके आप पी लीजिए, वो भी बहुत कम मात्रा में। ये तो रहा खाने पीने का, जिससे कि आपकी आंतों में जो एक प्रकार का वहाँ इन्फेक्शन हो गया है, उनको थोड़ा सा हैवी वहाँ पर जो भोजन अभी नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, जो उनको आराम से जिसको पचा सके। दूसरा, केवल अदरक का पानी आप, अदरक में थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ, 3 चीजें आप ले लीजिए, अदरक सौंफ और अजवाइन, इनको पानी में उबाल करके 1-1 चम्मच तीनों का आप 0.5 लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लो, तो जब वो थोड़ा सा 4-5 मिनट उबल जाए, छान करके आप रख लीजिए उसको, उसमें से 0.5 कप दिन में 3-4 बार आप पीते रहिए। चाहो तो थोड़ा सा नींबू भी उसमें निचोड़ के पी लीजिए, तो इससे आपका अग्नि भी जो है वो प्रदीप्त होगी, वहाँ का जो दोष है किसी प्रकार के वहाँ पर अगर टॉक्सिन्स हैं वो भी साफ हो जाएंगे, पाचन भी आपका ठीक हो जाएगा, इसी से आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। और इसके बाद भी कोई समस्या अगर बनी रहती है
तो आप हमारे इसी नंबर पर फोन करके डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके दवा भी आप मंगा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन 3-4 दिन से ही हुआ है तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि दवाई की ऐसी विशेष जरूरत उसमें पड़ेगी। आप इस प्रकार से करेंगे जो मैंने निर्देश दिया तो इसी से आपको आराम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज के बारे में सुनते हैं उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं लेकिन उसका असर कई बार उल्टा हो जाता है, तो उसके लिए क्या हिदायत आप दर्शकों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि अक्सर जब हम यहाँ पर कोई भी टॉपिक लेते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हम बता देते हैं, इतनी बीमारी इससे ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि उसको बस खूब लगे आप सेवन करने, मात्रा का हमेशा आपको ध्यान रखना है। जो भी हम मात्रा बताते हैं हमेशा हम हर चीज का डोज आपको बताते हैं, अगर नहीं आपको समझ आता तो फोन करके पूछ लीजिए, और उसको उचित मात्रा में सेवन करने से ही उसका औषधीय गुण आपको फायदा करेगा। इस प्रकार से दवाई कोई होती है तो दवाई ऐसा तो नहीं है कि आप खूब, अगर आपके दवाई से दर्द ठीक होता तो एक ही गोली बताते ना डॉक्टर, ऐसा थोड़ी कि आप 25 गोली इकट्ठी खा जाएंगे, उससे तो कल्याण हो जाएगा आपका सारा ही। तो ऐसी तरह से जो हम ये जड़ी बूटियां हैं, जब हम जो घरेलू नुस्खे बताते हैं आपको, औषधियां जो सब्जियां बताते हैं, ड्राई फ्रूट, उसकी भी प्रॉपर मात्रा आपको लेनी चाहिए जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सके। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात से हैं ज्योति जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी मैम, हेलो जी। जी मेरे ना बाल झड़ने की बहुत समस्या है, काफी टाइम से बाल झड़ रहे हैं। देखिए, बाल झड़ने के लिए आप एक तो सप्ताह में 2 बार तेल तो जरूर लगाएं, दूसरा एक हमारे यहाँ पर हेयर केयर पैक, क्योंकि इतने सारे लोग बालों का क्वेश्चन पूछते हैं, इतने सारे लोग बालों के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो एक हमने पूरा पैक बना दिया, उसमें एक टॉनिक है, एक तेल है, खाने की कुछ गोलियां हैं, कुछ पाउडर है, वो आप मंगा लीजिए, उसको 2-3 महीना रेगुलरली आप सेवन करो, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन पित्त बढ़ाने वाली चीजें आप मत खाइए, बहुत गर्म चीजें, गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन मत करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो किन किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए परेशानियां उसमें सबसे पहले तो ये कि जो हमारे सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो धातु डैमेज शुरू हो जाता है, तो एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा जल्दी, आप उम्र से ज्यादा आप दिखने लगेगी आयु आपकी। और इसके अतिरिक्त हार्ट की बीमारी होना, कैंसर भी उससे होता है, हड्डियों के रोग होना, या किसी प्रकार के जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, वो भी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है इसकी वजह से है। साथ में जो रोग इसके अलावा जो होते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज आपने सुना होगा, अल्जाइमर्स डिजीज एक होता है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में सब क्षीणता से होते हैं, धातु क्षय होने से, या जो है आपको रक्त की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, या रक्त का कोई विकार हो जाए, तो जितने भी धातुओं से रिलेटेड हैं, मांसपेशियों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, या आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं या एंटीऑक्सीडेंट आप भोजन में नहीं ले रहे हैं ठीक से प्रॉपरली, तो इस प्रकार के रोग आपको आ सकते हैं। और हमारे साथ महोबा से जुड़ गए हैं प्रवीण जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी, ये पूछना था कि मेरे पिताजी हैं, आज से करीबन 2 साल पहले उनके उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफी उनके फ्रैक्चर आ गए थे रीढ़ की हड्डी में, जिससे कि आज के समय में उनके काफी उठते बैठते में दर्द होता है। अच्छा। और काफी करवट लेते में और ये सो नहीं पाते हैं कुल मिला के रात को। हाँ जी, तो सर इसका कोई उपाय? क्योंकि चोट का दर्द है, चोट के बाद जो एक्सीडेंट के बाद जो बॉडी में जो डैमेज होता है उसके लिए दवाइयां कई बार उतना अच्छा कुछ काम नहीं करती हैं। हालांकि आज हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की, तो एंटीऑक्सीडेंट डेफिनेटली रिजुवनेशन करती हैं, थोड़ा डैमेज को नष्ट करती हैं, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊं कि जहां पर चोट लगी है, जहां उनको थोड़ा दर्द होता है या स्टिफनेस होती है, वहां हल्की सी मालिश करिए, बहुत रगड़ा नहीं लगाइए, जोर से नहीं रगड़ना, कोई भी तेल ले लीजिए, तिल का तेल, सरसों का तेल, हल्का सा गर्म करके जेंटल मसाज उसकी करके थोड़ी सिकाई करेंगे तो उससे फर्क पड़ता है। दूसरा एक तरह से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या फिजियोथेरेपी जिसको हम आजकल बोल देते हैं, वो करने से भी वहां पर थोड़ा रिलीफ मिलता है। और आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो हड्डियों को मजबूत करती हैं, जो हमारे इवन फ्रैक्चर के बाद, एक्सीडेंट के बाद जो हड्डियां हैं उनमें कोई डैमेज हुआ है उसको भी ठीक करती हैं, वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके ले सकते हैं, हमारे यहाँ से भी फोन करके आप बाय पोस्ट मंगा सकते हैं, उनका सेवन भी आपको कराना चाहिए अपने पिताजी को, ताकि कम से कम उनकी स्थिति जो है वो स्टेबल बनी रहे और ज्यादा खराब ना हो। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा से रमेश हैं जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
जी नमस्कार सर, एक्चुअली सर मेरी शादी को एक साल हो गया है, लेकिन शादी के बाद से मेरे चेहरे का ग्लो ये हो गया, पेट में मेरा बढ़ने लगा है, तो इस समस्या के लिए कोई आपके पास? चेहरे का ग्लो कम हो गया है जी? अच्छा अच्छा, मैंने सुना था शादी के बाद तो ग्लो बढ़ना चाहिए। एनीवे, आप जो है थोड़ा सा इसमें ये जरूर गौर करिए कि आप पोषण अच्छा ले रहे हैं कि नहीं। शादी जब होती है तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसका एक विशेष वर्णन है कि खास तौर पर जो मैरिड लोग होते हैं उनको कुछ शुक्रवर्धक औषधियाँ जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि शुक्र धातु का लॉस तो होता ही है। जब आप शादी के बाद जो है स्त्री से संपर्क करते हैं तो शुक्र धातु क्षय होता है, उसमें होता है, तो उसकी वजह से ग्लो भी कम होता है और शरीर में कई प्रकार की वीकनेस भी आती है। तो अश्वगंधा अगर आप सेवन करना शुरू करें उससे काफी फर्क पड़ेगा। और भी कुछ नहीं तो आंवला ही आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। आंवले का मुरब्बा आप रोज एक चम्मच एक खाइए सुबह। दूध भी आपको बहुत फायदा करेगा, दूध रोज पीना चाहिए और दूध में थोड़ा केसर डाल के पिए तो और भी अच्छा फायदा करेगा आपको। तो कुछ ना कुछ पौष्टिक भोजन खाइए, एक्सरसाइज भी जरूर करिए ताकि पेट बाहर ना निकले आपका, एक्सरसाइज जरूर करते रहिए और पोषण पर जरूर ध्यान देना आपको। इसके अतिरिक्त जो है साथ में ये भी ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें और ऐसे भोजन ना खाएं जो कि बहुत ज्यादा जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, केवल टेस्ट के लिए ना खाएं, पोषण के लिए खाएं। तो चलिए अब हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कोई हम कैसे समझ सकते हैं कि उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो रही है, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर में कमी हो रही है। मुख्य रूप से बॉडी में थकावट होना, कमजोरी आना, चेहरे पर चमक ना होना, जैसे भी कह रहे थे ग्लो कम हो रहा है, या बाल गिरना, या हड्डियों में दर्द होना, जो इस तरह के जो लक्षण होंगे जहां आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी टिश्यू डैमेज हो रही है, हमारे धातु का जो नाश हो रहा है या हमारी जो सेल्स हैं वो ज्यादा नष्ट हो रही हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा भी होगा बहुत बारी हम भी कहते हैं कि जब लोग जो है थोड़ा ताजा फल फ्रूट सलाद वगैरह खाना शुरू करते हैं तो उनके ये रोग भाग जाते हैं, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट कितने सारे, आज आपको शायद हमारा सीक्रेट भी पता चल जाएगा, ये कितने सारे हम जो नुस्खे बताते हैं आपको, उन नुस्खों में हम यही बताते हैं आपको कि गाजर का जूस पी लीजिए, चुकंदर का जूस पी लीजिए, टमाटर खाइए, तो इसमें क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है और आपके जो लक्षण हैं, जो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको साफ करके आपको दोबारा से स्वस्थ करता है। हम उसको आयुर्वेद से भी जोड़ते हैं। आयुर्वेद से जोड़ने का हमारा क्या है, उसका एक फिलॉसफी है, पहले भी आपको बताया, आम और ओजस। अगर आम ज्यादा है बॉडी में, टॉक्सिन्स आपके ज्यादा बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपको बॉडी में एक तरह से फ्री रेडिकल्स समझ लीजिए, आम को आप समझ लीजिए फ्री रेडिकल्स। और ओज वर्धक जो चीजें हैं, ओज वृद्धि के लिए जो हम आपको नुस्खे बताते हैं कितने, वो फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं, वो हो गए हमारे एंटीऑक्सीडेंट। तो हमने आयुर्वेदिक भाषा में भी आपको समझा दिया आम और ओजस। अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट पाने के आसान और नेचुरल सोर्सेस क्या है। डॉक्टर साहब, एंटीऑक्सीडेंट पाने के लिए आज की संजीवनी क्या है? देखिए, नेचुरल सोर्सेज तो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, जितने भी आपकी हरी सब्जियां हैं, सब में मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। खास तौर पर बीटा कैरोटीन हम जिक्र करते हैं कई बार, जो कि गाजर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर का सेवन कैसे करें, गाजर आप या तो गाजर का जूस पिए, या फिर जो है गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल लें अच्छी तरह से, और जब वो गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा हलवा जैसा बन जाए, उसका सेवन करें तो आपको काफी बेनिफिट इससे मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है टमाटर के अंदर लाइकोपीन पाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो टमाटर का सेवन आप जो है टमाटर का जूस भी पी सकते हैं, टमाटर को सलाद के रूप में खाएं, या टमाटर का सूप भी बना करके आप पी सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में काफी अच्छा फायदा करता है, उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेब में भी पाया जाता है, सेब को आप ऐसे भी खा सकते हैं या सेब को स्टीम कर लीजिए हल्का सा और थोड़ा सा उसमें दालचीनी डाल करके आप खाएं, तो डायबिटीज या हार्ट डिजीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से आप अखरोट ले लीजिए, साथ में नाशपाती, और इसका थोड़ा सा सलाद के फॉर्म में इसको बना करके, चाहे उसको वैसे मिला करके, शहद में मिला करके आप सेवन करेंगे, तो इससे आपको जो है नर्वस सिस्टम में फायदा काफी मिलता है, अल्जाइमर्स डिजीज जैसे होगी, यादाश्त वाली जो चीजें हैं। अनार का रस, उसमें भी काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं, और अनार का रस पीने से आपके शरीर की जो मेनली जो शारीरिक शक्ति है, ओज जिसको हम कहते हैं, ओज शक्ति आपकी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप सेवन करें, बादाम, अखरोट, किशमिश, खजूर,
ये सब चीजें हम पहले भी बताया आपको, इनको रात को भिगोइए, सुबह जो है दूध के साथ इनका सेवन करिए, इससे आपके शरीर में ओज की वृद्धि होगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपकी त्वचा जो है वो यंग बनी रहेगी, और आपको जो डैमेज जो हो रहा है, जो आपके टिश्यूज में आपके धातु जो नष्ट हो रहे हैं, उन पर एक ब्रेक लग जाता है, उन पर एक रुकावट लग जाती है, और आपकी जो है एक प्रकार से रिजुविनेशन, या जिसको हम रसायन चिकित्सा कहते हैं, वो एक शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान हमें बताने जा रहे हैं सौंफ की खूब सारी खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी टिप? सौंफ जो है वो बहुत अच्छी एक छोटी सी औषधि है, और औषधि क्या हमारे घर में सभी के घर में होती है, अक्सर लोग खाना खाने के बाद सौंफ थोड़ा खाया करते हैं, और उसका भी एक जो है साइंटिफिक बैकग्राउंड है, क्यों खाते हैं उसको शायद आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो माउथ फ्रेशनर तो है, अपने चेहरे में सॉरी मुंह के अंदर जो बदबू आती है, कई बार आपने कुछ ऐसी चीजें खाई है प्याज लहसुन वगैरह, उसको स्मेल को दूर करती है, लेकिन पाचन भी करती है, इसलिए भोजन के पश्चात अगर आप एक चम्मच सौंफ खाएं तो आपको मुंह के जो स्वाद को भी अच्छा करती है, मुंह में अच्छा सुगंध भी आती है उसकी, साथ में पाचन भी करती है। जिन लोगों को याददाश्त की कमजोरी है, जिनकी मेमोरी वीक है, तो सौंफ मिश्री और बादाम इनको बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके उसका सेवन करने से लाभ मिलता है। इसी प्रकार से जो जलन होती है, खट्टी डकारें, एसिडिटी जिन लोगों को होती है, तो सौंफ को पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, एक बड़ा चम्मच यानी कि 10 ग्राम सौंफ कम से कम जो है आप एक गिलास पानी में डाल के उबालें अच्छी तरह से, जब वो उबल जाए खूब अच्छी तरह से, उसको फिर छान करके ठंडा कर लें, और फिर मिश्री मिला करके उसको सेवन करें आप, तो उससे आपके अंदर जो है कूलिंग भी आएगी और आपकी ठंडक भी होगी। इसके अतिरिक्त सौंफ को अगर गुड़ के साथ सेवन किया जाए, तो जिन महिलाओं को थोड़ा मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर मासिक धर्म होता है या थोड़ा पेन होता है, तो सौंफ का सेवन गुड़ के साथ करें, या सौंफ को गुड़ के पानी में थोड़ा सा घोल करके और गर्म करके वो भी पिया जा सकता है गर्म गर्म, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। कब्ज अगर आपको होती है तो एक चम्मच सौंफ और आधा या एक चम्मच गुलकंद मिला करके वो रात को सोने से पहले दूध के साथ सेवन करने से आपको कब्ज भी दूर होगी, पेट आपका साफ हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।